Hello students, welcome back to your favorite online learning platform Learnovate. Today we are starting conic sections lecture 4. इससे पहले हम लोग तीन lectures कर चुके हैं conic sections के, है ना. In the first lecture we introduced conic sections to you and we tried to visualize कि कैसे conic sections बनते हैं by cutting a right circular cone by a plane, है ना. फर्स्ट लेक्चर में हमने ये किया था और थोड़ा वो जनरल इक्वेशन ऑफ कोनिक पढ़ी थी. इन द सेकेंड लेक्चर वी स्टार्टेड पैराबोला बेसिक्स. इन द थर्ड लेक्चर व्हाट वी डिड वाज वी स्टडीड फोकल कॉर्ड ऑफ पैराबोला एंड इट्स प्रॉपर्टीज, ओके. एंड इन द फोर्थ लेक्चर एज यू कैन सी वी आर स्टार्टिंग टेंजेंट एंड इट्स प्रॉपर्टीज. वी विल स्टडी टेंजेंट ऑफ पैराबोला एंड दे आर मेनी प्रॉपर्टीज ऑफ टेंजेंट ऑफ पैराबोला. वी विल स्टडी देम टू. टुडे आई एम साउंडिंग अ लिटिल लो बिकॉज आई एम सफरिंग फ्रॉम कोल्ड एंड कफ, यू नो. तो आई विल स्पीक अ लिटिल इन लो वॉल्यूम. सो इट्स रिक्वेस्टेड कि आप लोग जब भी ये वीडियो देखोगे, ये लेक्चर देखोगे, तो अपने फ़ोन में, लैपटॉप में या सिस्टम में, जिसमें भी देखोगे, तो थोड़ा वॉल्यूम अप करके देखना, ठीक है. बेयर विद मी. चलो स्टार्ट करते हैं विद आर स्लाइड वन. क्या लिखा है देखो इसमें, क्या पढ़ रहे हैं. वी आर स्टार्टिंग इंटरसेक्शन ऑफ लाइन एंड अ पैराबोला, है ना. टेंजेंट जो है एक लाइन है. तो अब यहाँ पे हम तीनों केसेस देख लेते हैं क्या क्या बनेंगे. ये हमारा पैराबोला है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x. हमने स्टैंडर्ड पैराबोला ले लिया है. वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x इज आर पैराबोला एंड देयर इज अ लाइन वाई इज इक्वल टू mx प्लस सी. अब जैसे हमने सर्कल में किया था, अब जो एक लाइन है वो क्या हो सकता है, इट मे कट. वो कट भी कर सकती है पैराबोला को दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे, वो टच भी कर सकती है पैराबोला को और डज नॉट नीड पैराबोला. ये केस भी हो सकता है ना. ये तीनों केसेस बन सकते हैं, ठीक है. अब हमें पता है कि इन दिस केस इट इज कॉल्ड अ कॉर्ड. ये कॉर्ड बन जाता है या सेकेंड बन जाती है, ये तुम लोग अच्छे से जानते हो बिकॉज ये हमने सर्कल में भी पढ़ा हुआ है. ये वाला जो केस है दिस इज व्हाट टेंजेंट, ठीक है. एंड थर्ड केस इज कि इट इज नीदर टचिंग नॉर कटिंग द पैराबोला एट एनी पॉइंट, ओके. तो अब क्या है देखो, हमारे पास अगर हमें इन तीनों में से कोई भी कंडीशन पहचाननी है, फॉर एग्जाम्पल यू आर गिवन अ पैराबोला एंड अ लाइन एंड यू हैव टू सी कि वो इन तीनों में से किस में फिट बैठ रही है, मतलब लाइन कट कर रही है, टच कर रही है या कुछ भी नहीं कर रही है. तो क्या करेंगे हम, देखो जो हमने सर्कल में किया था एग्जैक्टली वही चीज़ करेंगे और आगे भी जो कर्व्स पढ़ोगे, एलिप्स, हाइपरबोला, उनके लिए भी सेम यही चीज़ें करनी है हमें. हम क्या करेंगे, लाइन जो है और पैराबोला को सॉल्व कर लेंगे, है ना. सॉल्व करने पर क्या मिलते हैं हमें, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलते हैं. वी नो दिस इज आर लाइन y इज इक्वल टू mx प्लस c. हम y की वैल्यू उधर हमने पुट कर दी पैराबोला में, तो हमें क्या मिल गया, नहीं हमने x की वैल्यू उठा के पुट कर दी, ठीक है. हमने x की वैल्यू उठा के इधर पुट कर दी, तो हमारे पास y में क्वाड्रेटिक आ गई, ठीक है. सो बाय सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट दिस. दिस इज अ क्वाड्रेटिक इन y. और क्वाड्रेटिक है y में, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है, इसके दो रूट्स आएंगे, है ना. तो इसके जो रूट्स हैं y1 y2 वो क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के y कोऑर्डिनेट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है बच्चों. तो इस इक्वेशन के दो रूट्स हैं, उसका नेचर जो है उससे हमें पता चलेगा कि कौन सी लाइन बनेगी, ठीक है. अब देखो हमें पता है फॉर फर्स्ट, ये वाला जो केस है, इस केस के लिए, पहले केस के लिए रूट्स कैसे आने चाहिए, रियल एंड डिस्टिंक्ट आने चाहिए, है ना. बिल्कुल रियल एंड डिस्टिंक्ट आने चाहिए, क्योंकि क्वाड्रेटिक के जब रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स आएंगे, जब इन दोनों के दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएंगे, मतलब y1 y2, तभी तो वो कट करते हुए जाएगी, ठीक है. तो फॉर फर्स्ट केस हमारा डी होना चाहिए ग्रेटर देन 0, सही है. तो इसके लिए हम डी पॉजिटिव लगा देंगे. डी हम जानते हैं क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है. फॉर सेकेंड केस टेंजेंसी के लिए क्या होना चाहिए, टेंजेंसी के लिए जो लाइन है वो पैराबोला को एक पॉइंट पे टच करते हुए जाए, इसका मतलब इस क्वाड्रेटिक का एक ही रियल रूट आना चाहिए, है ना. इसका मतलब ये बोथ रूट्स इक्वल वाली कंडीशन है. तो इसके लिए हम डी इज इक्वल टू 0 लगा देंगे, सही बच्चों. समझ आ गई ये चीज़, है ना, बहुत ईजी. वही सेम चीज़ें हम कर रहे हैं जो हमने सर्कल में किया है और सेम यही कॉन्सेप्ट चलेगा आगे भी. तो मैं बार बार इस चीज़ को इसलिए रिपीट कर रही हूँ सो दैट तुम्हें पता चल जाए ना, यही चीज़ें हमें हमेशा लगानी होती है, कुछ नया नहीं कर रहे हम लोग. थर्ड, अगर हम कर रहे हैं ये वाली लाइन, इफ ये वाली अगर कंडीशन बन जाती, दिस इज थर्ड, इसको हमने सेकेंड बोल दिया था. तो इसके लिए देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है. तो थर्ड के लिए क्या करना है हमें, डी लेस देन 0 लगा देना. क्यों, क्योंकि यहाँ पे कोई भी रियल रूट नहीं आ रहा है ना, कोई भी रियल वाई एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, कोई भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं है. तो थर्ड के लिए डी क्या हो जाएगा, लेस देन 0 हो जाएगा. डी इज लेस देन 0, ठीक है. तो ये आगे हमारे पास अलग अलग कंडीशंस डी हम यहाँ से निकाल के लगा देंगे. देखो नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं, ये हमने कैलकुलेशन किया हुआ है कि क्या आता है. ये चीज आ गई, इफ डी इज पॉजिटिव, डी पॉजिटिव अगर हमने लगाया उस क्वाड्रेटिक में, तो हमारे पास कंडीशन आ गई सी इज लेस देन ए बाय एम. सी क्या था बच्चों, यहाँ पे वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी थी ना हमारी लाइन,
तो इसमें सी क्या था, कॉन्स्टेंट था लाइन का, ठीक है, और ए क्या था, एम सी और एम तो यहाँ से आ जाएगा, और ए क्या था हमारा जो पैराबोला है वाई स्क्वायर इज टू फोर ए एक्स, उसका जो ए आता है ना, एक्स का कोएफिशिएंट इज फोर है, वहां से जो ए निकल के आता है वो. तो पहले वाले केस में हमारे लिए ये आ गया सी लेस देन ए बाय एम इज द कंडीशन सो दैट लाइन कट्स द पैराबोला एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स. कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, देखो अब इसको हम कंडीशन ऑफ टेंजेंसी बोलते हैं, अगर डी जीरो हो गया तो सी हमारे पास आ गया क्या, ए बाय एम. इस केस में लाइन टच कर रही है पैराबोला को, द लाइन टचेस द पैराबोला, इसको हम बोल देते हैं कंडीशन ऑफ टेंजेंसी. यहाँ से हमारे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट भी आ जाएगी, है ना. हमने सी की वैल्यू निकाली क्या, ए बाय एम आई, वी पुट इट हेयर, तो क्या बन गई इक्वेशन ऑफ लाइन, बन गई वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस ए बाय एम, है ना. तो ये जो लाइन है, ये लाइन क्या है, ये टेंजेंट बन गई ना पैराबोला के लिए, क्योंकि ये लाइन कैसे आई है, डी इक्वल्स टू जीरो रख के आई है, ठीक है. सिमिलरली देखो जो थर्ड केस है उसके लिए डी लेस देन जीरो जो हमने लगाया है तो ये कंडीशन आ गई. अब देखो इसमें याद क्या क्या करना है, हम सिर्फ कॉन्सेप्ट याद रखें कि किस किस तरह से ये सब चीज़ें आई हैं, है ना, डी पॉजिटिव नेगेटिव ये सब चीज़ें लगा के, और हम ये वाली चीज़ याद रखें C इज इक्वल टू ए बाय एम, बिकॉज दिस इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हमें याद ही करनी होती है कर्व्स के लिए, है ना. आगे भी देखोगे तुम हम इसे स्लोप फॉर्म में फिर से रिविजिट करेंगे, बट इसके लिए तुम मतलब यहीं से याद कर लो कि C होता है ए बाय एम फॉर अ लाइन टू बी अ टेंजेंट फॉर टू अ पैराबोला. ओके, तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस ए बाय एम, दिस इज वॉट, दिस इज अ टेंजेंट टू अ पैराबोला. विच पैराबोला, पैराबोला है y स्क्वायर इज इक्वल टू फोर ए एक्स, ठीक है. आई नो मेरी वॉइस थोड़ा इरिटेटिंग लग रही होगी आज, बिकॉज आई एम सफरिंग फ्रॉम कोल्ड, सॉरी फॉर दैट. और हाँ देखो, कुछ बच्चों ने मुझे रिक्वेस्ट किया था कि मुझे थोड़ी देर रुक जाना चाहिए फॉर टेकिंग स्क्रीन शॉट्स, तो टुडे आफ्टर एवरी स्लाइड आई विल स्टॉप फॉर अ मोमेंट कि आप लोग स्क्रीन शॉट ले पाओ, ठीक है. मैं इतनी देर के लिए रुक जाऊँगी, तो जिस भी स्लाइड का यू फील लाइक टेकिंग स्क्रीन शॉट ऑफ इट, यू कैन टेक इट. चलिए अब हम लोग चलते हैं थर्ड स्लाइड पे. यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट. अभी हमने कॉन्सेप्ट देख लिया कि टेंजेंट की इक्वेशन अगर है, मतलब अगर एक लाइन है, तो हाउ टू जज वेदर इट विल बी अ टेंजेंट और इट विल इंटरसेक्ट द पैराबोला और इट विल डू नीदर ऑफ देम, दोज थिंग्स, ठीक है. अब पहला हम कर रहे हैं पॉइंट फॉर्म. ये चीज़ भी हमने सर्कल में की है, अगर आपने सर्कल अच्छे से पढ़ा है तो आप लोग यहाँ पे बता पाओगे कि पॉइंट फॉर्म कैसे निकालते हैं. देखो क्या किया हमने, इसमें पैराबोला लिया हमने y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, ठीक है. हमें क्या पता है ना, पैराबोला के ऊपर एक पॉइंट पता है पी एक्स वन कॉमा y वन, उसके हमें कोऑर्डिनेट्स गिवन है. हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखनी है पासिंग थ्रू दिस पॉइंट, इसको बोलते हैं हम पॉइंट फॉर्म. पॉइंट फॉर्म क्यों, नाम से पता चल रहा है कि हमें पॉइंट ऑन पैराबोला पता है, उस पॉइंट से पास करता हुआ टेंजेंट, ठीक है. तो हियर व्हाट वी आर डूइंग, वी आर राइटिंग द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पी एक्स वन कॉमा वाई वन, ठीक है, वेयर पी इज अ पॉइंट ऑन द पैराबोला. अब हमने ये चीज सर्कल में की थी. पॉइंट फॉर्म कैसे आती है बच्चों, बताओ कैसे आई थी पॉइंट फॉर्म. हाँ, इसकी इक्वेशन क्या थी, टी इज इक्वल टू जीरो थी, है ना. जिन लोगों को याद है बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये चीज मैंने बोली थी तब भी कि ये थ्रू आउट द कोनिक्स वैलिड है. जैसे आपने सर्कल में किया, पैराबोला में भी, एलिप्स में भी, हाइपरबोला में भी, ये सब चीजें सेम चलेंगी. तो पॉइंट फॉर्म ऑफ टेंजेंट हम हमेशा कैसे लिख देते हैं, t इज इक्वल टू जीरो से लिख देते हैं. ये बड़ा बड़ा लिख दिया हमने, t इज इक्वल टू जीरो. क्या यहाँ पे कंडीशन है, शर्त किया ये लगाने के लिए कि जो पॉइंट है इट शुड बी ऑन द कर्व, जो भी कर्व आप देख रहे हो, टू डिग्री कर्व. अभी हम पैराबोला देख रहे हैं तो पैराबोला के ऊपर है ना पॉइंट, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पासिंग थ्रू इट वी विल राइट इट एज t इज इक्वल टू जीरो. अब t इज इक्वल टू जीरो हम लोगों को लिखना आता है. कैसे लिखते हैं t इज इक्वल टू जीरो, बाय मेकिंग सम चेंजेस इन द इक्वेशन. क्या चेंजेस करते हैं हम, एक्स स्क्वायर की जगह पे लिखते हैं एक्स एक्स वन, है ना, बाय रिप्लेसिंग. तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मिल रही है बाय रिप्लेसिंग एक्स स्क्वायर को एक्स एक्स वन से, ठीक है, वाई स्क्वायर को वाई वाई वन से. एक्स का अगर टर्म है तो एक्स प्लस एक्स वन बाय टू से, वाई का टर्म है वाई प्लस वाई वन बाय टू से, एक्स वाई का टर्म है तो एक्स वाई वन प्लस वाई एक्स वन बाय टू से, एंड कॉन्स्टेंट रिमेन सेम विदाउट चेंजिंग द कॉन्स्टेंट, ठीक है. मतलब क्या है हमें, मैं फिर से यहाँ पे लिख देती हूँ, एक्स स्क्वायर को हम लिख रहे हैं एक्स एक्स वन, वाई स्क्वायर को हम लिख रहे हैं वाई वाई वन, ठीक है. तो जो टू डिग्री वाले टर्म्स है ना, उनको हमने वन डिग्री में कन्वर्ट कर दिया. एक्स स्क्वायर को हम लिख दिया एक्स इंटू एक्स वन, एक्स वन क्या है उस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट, y into y1, y1 क्या है उस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट. तो जो 2 डिग्री वाले टर्म्स थी हमारी वो 1 डिग्री में कन्वर्ट हो गई. ऐसे ही अब x जो है उसको हम लिख देंगे x plus x1 by 2, तो 1 डिग्री वाला 1 डिग्री में ही रहा. y को हम लिख देंगे y plus y1 by 2, x y को हम लिख देंगे
एक्स वन वाई प्लस एक्स वाई वन बाय टू, ठीक है बच्चों. और जो भी कांस्टेंट वाला टर्म है इट वुड रिमेन द सेम, उसमें कोई चेंज नहीं होगा. बाय मेकिंग दीज चेंजेस हम लिखते हैं टी, और ये टी काफ़ी जगह पे यूज होगा आज के हमारे वीडियो, आज के लेक्चर में भी, और नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा ना नॉर्मल वाला उसमें भी यूज होगा जब हम कॉर्ड वगैरह पढ़ेंगे. तो इसलिए तुम लोग याद ही कर लो ये चीज़, ये याद ही होना चाहिए. सर्कल में भी पढ़ा था हमने कि टी लिखते कैसे हैं, ठीक है. दिस इज द वे ऑफ राइटिंग टी, और टी का मतलब टेंजेंट बिल्कुल नहीं है. टी एक तरीका है एक लाइन को लिखने का, और डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस में वो टी अलग अलग लाइंस को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है. आगे भी हम लोग देखेंगे कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट वगैरह आएगा, हमने सर्कल में भी पढ़ा था. तो दिस इज टी. तो अगर यहाँ पे हम ये सब चीज़ें भूल जाएं, ये प्रूफ मैंने लिखा हुआ, अभी बता देती हूँ क्या है. पर हमें अगर लिखनी है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट पी, तो हम क्या करेंगे, देखो वाई स्क्वायर की जगह पे हमने क्या लिखना है, वाई वाई वन लिख देना है, सही है. तो ये लिख दिया हमने इज इक्वल टू फोर ए, कॉन्स्टेंट है एज इट इज. एक्स की जगह पे हमें क्या लिख देना है, एक्स प्लस एक्स वन बाई टू लिख देना है. तो ये हमने लिख दिया एक्स प्लस एक्स वन बाई टू, क्या बन गया बच्चों ये वाई वाई वन इज इक्वल टू, ये टू कैंसिल हो गया, टू ए इंटू एक्स प्लस एक्स वन. तो ये आ गई हमारी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट एक्स वन वाई वन. कितना आसान है देखो ये करना, है ना. और अगर हमें पॉइंट x1 y1 पता है, हम उसे यहीं पे बस हमें पुट कर देना है, x1 y1 नोन क्वांटिटीज है, ठीक है. तो हमने एक स्टेप में इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाल लिया, बस पॉइंट कर्व के ऊपर होना चाहिए. अब देखो ये सब प्रूफ करके हम जो चीज़ें लाए हैं उसके बाद भी हमारे पास यही आई इक्वेशन, वाई वाई वन इज इक्वल टू टू ए कॉमन लेंगे तो एक्स प्लस एक्स वन, यही चीज़ बन रही है, सही है. देखो हमने प्रूफ करने के लिए क्या किया, ये भी मैं बता देती हूँ कि पी पॉइंट पर हमने टेंजेंट बनाया है ना, तो उसका उसकी इक्वेशन लिख रहे हैं. अब देखो स्लोप कैसे निकाल सकते हो, तो हमें टेंजेंट का हमें पता है स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है, स्लोप ऑफ कर्व एट पॉइंट एक्स वन कॉमा वाई वन, है ना. तो इसका स्लोप हम लिख सकते हैं, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पी हम लिख सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स एट एक्स वन वाई वन, है ना, एट एक्स वन कॉमा वाई वन. तो हमने क्या किया, इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया कर्व को, और उसमें पॉइंट एक्स वन कॉमा वाई वन पुट कर दिया, उससे हमारे पास आ गया स्लोप. आई नो तुम लोगों को डिफ्रेंशिएशन आता होगा, है ना, क्योंकि वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव हमें पता है क्या होता है, टू वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स होता है ना, क्योंकि हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं डेरिवेटिव, ठीक है. इसलिए टू वाई बाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, फोर ए हो जाएगा, इसका तो वन ही होता है. तो वहां से हमारे पास स्लोप आ जाएगा, वी पुट इट हेयर. तो वाई माइनस पॉइंट, फिर हमने लिख दिया पॉइंट स्लोप फॉर्म से, वाई माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम, एम है ये इंटू एक्स माइनस एक्स वन, ठीक है. फिर हमने सारी टर्म्स को इधर उधर ले जाके ये फाइनल निकाला. ये तो दिस वॉज प्रूफ फॉर यू गाइज, तुम लोगों को ये याद करना है, ये चीज़ याद करनी है कि पॉइंट फॉर्म हम कैसे लिखते हैं, टी इज इक्वल टू जीरो से लिखते हैं. एंड दिस मेथड स्टैंडर्ड सब्सटीट्यूशन इज वैलिड टू ऑल कोनिक्स व्हेन पॉइंट लाइज ऑन द कोनिक, यही चीज़ मैंने नीचे भी लिखी हुई है. तो अब जब मैं इलिप्स तुम लोगों को पढ़ाऊंगी, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आने वाला है इज इलिप्स, तो उसमें आई विल एक्सपेक्ट कि तुम लोगों को ये चीज़ याद होगी, है ना. हम बार बार ये चीज़ें नहीं करेंगे, वी विल नॉट वेस्ट टाइम बार बार. ये ऑलरेडी मैंने सेकेंड टाइम ये चीज़ बताई है ना, अब मुझे पता देखो तुम लोगों को आती होगी, ठीक है. फिर भी मेरा कर्तव्य है बताना, तो मैंने बता दिया. चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं. तो टी लिखना आ गया ना सब लोगों को, चलो पैरामीट्रिक फॉर्म पढ़ रहे हैं हम लोग. देखो पैरामीट्रिक फॉर्म है, इट इज जस्ट लाइक पॉइंट फॉर्म, बस यहाँ पे जो पॉइंट है ना हमारा, उसको हम पैरामीट्रिक फॉर्म में लिख देते हैं, पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स. अब पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स ऑफ पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू फोर एक्स क्या होते हैं, ये हम लोगों ने पढ़ा है. क्या होते हैं, ए टी स्क्वायर कॉमा टू ए टी होते हैं ना, जहाँ पे टी उस पॉइंट का पैरामीटर है. तो पी पॉइंट हमारे लिए क्या हो गया यहाँ पे, इट इज ए टी स्क्वायर कॉमा टू ए टी. तो हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखनी है एट पी, जब पी हमें पता है वही हम कर देंगे, टी इज इक्वल टू जीरो लगा देंगे, और पॉइंट यहाँ पे एक्स वन ये है, वाई वन ये है. तो यही आ गई देखो हमारे पास इक्वेशन, टी इज इक्वल टू जीरो लिख के, है ना, वाई स्क्वायर को वाई वाई वन, एक्स को एक्स प्लस एक्स वन बाय टू, टू टू कैंसिल हो गया, तो ये बच गया. अब वाई वन की जगह पे वी राइट टू ए टी, क्योंकि y1 ये है हमारा, और x1 की जगह पे वी राइट ए टी स्क्वायर, सही है. तो ये लिखने के बाद यहाँ पे लिख दिया हमने, फिर इसको 2a कॉमन ले लिया, तो ये आ गई हमारे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन पैरामीट्रिक फॉर्म. क्या आ गई बच्चों ये, वाई टी इज इक्वल टू एक्स प्लस ए टी स्क्वायर, ठीक है. ये याद करनी है आप लोगों को, वाई टी इज इक्वल टू एक्स प्लस ए टी स्क्वायर, दिस इज इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑफ पैराबोला इन पैरामीट्रिक फॉर्म, ठीक है. तो पैराबोला की टेंजेंट की इक्वेशन आ गई हमारे पास,
ये अभी हमने निकाली है वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर एक्स स्टैंडर्ड जो पैराबोला है. अब जो हमारे बाकी तीन स्टैंडर्ड पैराबोलाज हैं उनके लिए क्या आएगी इक्वेशन देख लेते हैं हम लोग, कुछ कुछ चेंजेस करके आ जाती है. देखो वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर एक्स के लिए वी नो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स 80² / 280 होते हैं और इक्वेशन अभी हमने निकाली ये आ गई सही है. अब ये जो हमारा पहला पैराबोला होता है सॉरी ये राइट ओपन था, ये वाला पैराबोला लेफ्ट ओपन है. हमने पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स किए थे ना इसके कि क्या होता है बस एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव हो जाता है क्योंकि यहाँ पे भी तो एक्स की जगह पे माइनस एक्स आया है तो यहाँ पे ये एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव हो गया, वाई सेम रहा. सेम यही चेंज हम टेंजेंट की इक्वेशन में कर देंगे कि यहाँ पे हमने क्या किया एक्स की जगह पे माइनस एक्स लिख दिया क्योंकि यहाँ पे भी एक्स की जगह पे माइनस एक्स किया. तो यहाँ पे हमने क्या किया इधर से इधर आते हुए हमने एक्स की जगह पे माइनस एक्स कर दिया सही है बच्चों. तो हमारे पास आ गया इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, तो कोई मुश्किल नहीं होगी हमें याद करने में अगर हमें ये याद है तो इससे वी विल रिमेंबर दिस. अब थर्ड वाला केस, अब ये है हमारा वर्टिकल पैराबोला अपवर्ड वाला जो होता है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू फोर ए वाई. अब इसमें हम क्या देखेंगे कि यहाँ से यहाँ आते हुए हमने क्या किया एक्स और वाई को इंटरचेंज कर दिया है ना, एक्स को हमने यहाँ लिख दिया वाई को यहाँ लिख दिया है तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू फोर ए वाई आ गया. तो वही चेंज पैरामीटर कोऑर्डिनेट्स में होता है वो आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं. देखो इंटरचेंज हो गए ना, ये बन गया 280, 80 स्क्वायर. सिमिलरली वही चेंज हो जाएगा पैराबोला के टेंजेंट की इक्वेशन में, एक्स और वाई को आपस में हमने इंटरचेंज कर दिया तो ये क्या बन गया देखो टी वाई था टी एक्स इज इक्वल टू एक्स की जगह पे वाई प्लस 80 स्क्वायर ठीक है. तो वही आसान सी चीज़ है कि ये किया हमने ये चेंजेस किए. अब इससे जब इस पे आओगे तो अभी जब यहाँ से यहाँ पे हम आ रहे हैं तो हमने क्या चेंज किया, हमने y की जगह पे क्या चेंज किया माइनस वाई कर दिया ना. तो वी हैव पुट y की जगह पे माइनस वाई जब इससे इस पे आ रहे हैं. तो अब इससे इस पे आने पे देखो पैरामीटर कोऑर्डिनेट में भी वही चेंज है, y जो भी कोऑर्डिनेट हमारा होता है उसका नेगेटिव हो गया अब वाला y कोऑर्डिनेट एंड यहाँ पे भी y की जगह पे माइनस वाई आ जाएगा सही है. तो दिस इज द मेथड कि आप लोग इससे याद कर सकते हो ईजिली टू रिमेंबर ऑल दीज इक्वेशंस है ना. तो हमें बस ये ही याद करनी पड़ेगी द फर्स्ट वन, ये तो याद करनी पड़ेगी ठीक है. तुम चाहो तो ये भी याद रख सकते हो भाई इक्वल्स टू जीरो ऐसे लिखते हैं फिर पॉइंट डाल देते हैं, पर एग्जाम में इतना टाइम किसके पास होता है ना, हम लोग ऑलरेडी टाइम सेव कर रहे होते हैं बहुत जगहों से तो इसलिए इन सब चीज़ों में हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, वील जस्ट रिमेंबर दीज थिंग्स. हाँ बाकियों को कैसे याद रखना है वो हम इससे ऐसे रिलेट कर करके याद कर लेंगे ठीक है बच्चों. तो ये हमने कर लिया पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ टेंजेंट. चलो नेक्स्ट पे चलते हैं. नेक्स्ट इज स्लोप फॉर्म ऑफ टेंजेंट. अब देखो जो पहली हमारी स्लाइड थी जिसमें हमने पढ़ा था कि लाइन और कर्व को सॉल्व किया था है ना और डी इज इक्वल टू जीरो करके हमने निकाल ली थी कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, उसी से स्लोप फॉर्म आ जाती है. ये दूसरे तरीके से बस हमने यहाँ पे डिराइव किया हुआ है इसको. यहाँ पे वही हमने पॉइंट फॉर्म लिया, फिर यहाँ से हमने ऑब्जर्व किया एम की वैल्यू क्या है क्योंकि हमें पता है लाइन होती है वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है ना. तो एम क्या होता है एक्स का कोफिशियंट, वहाँ से कंपेयर करके ये चीज़ कर दी. फाइनली इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कम्स आउट टू बी दिस, हमें इससे मतलब है ठीक है. ये अलग प्रूफ है वो अलग प्रूफ है, तुम लोग किसी से भी देख सकते हो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्योंकि सी की वैल्यू बच्चों क्या आ गई थी ए बाय एम आ गई थी ना, तो बस हमने वो चीज़ पुट कर दी यहाँ पे. तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस ए बाई एम, ये आ गई हमारी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन स्लोप फॉर्म. दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी हमें याद करना है ठीक है. तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस ए बाई एम, अगर स्लोप की बात की जा रही है स्लोप पता है हमें टेंजेंट का तो हम m यहाँ पे पुट कर देंगे, m पुट कर दिया a हमें पैराबोला का पता ही होगा तो हमारे पास यहाँ पे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ जाएगी ठीक है पैराबोला के लिए. ये कौन से पैराबोला के लिए आई है, ये वाला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू फोर एक्स जो हम जिससे पढ़ते हैं ज्यादातर चीजें है ना. तो दिस इज अ टेंजेंट टू द पैराबोला फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ m वेयर m इज द स्लोप ऑफ द टेंजेंट एंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट आ गई. ये कैसे आए क्योंकि हम इन दोनों को कंपेयर कर सकते हैं ना. देखो y अब हमें पता है जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं ए टी स्क्वायर कॉमा 280 होते हैं ना. ये होते हैं t के टर्म्स में. दिस वॉज इन टर्म्स ऑफ टी. तो यहाँ पे अगर हम कंपेयर करें, चलो नेक्स्ट पे देख लेते हैं उसमें ज़्यादा अच्छे से तुम्हें समझ आ जाएगा. यहाँ पे मैंने ये लिखा हुआ है रिलेशन बिटवीन एम एंड टी फॉर टेंजेंट क्या होता है. अब देखो हमने टेंजेंट की इक्वेशन पढ़ ली है पैरामीट्रिक फॉर्म में, ये होती है वाई टी इज़ एक्स प्लस ए टी स्क्वायर है ना, और स्लोप फॉर्म में हमारे पास आ गई थी वाई इज़ एम एक्स प्लस ए बाय एम. तो यहाँ से वी कैन रिलेट टी एंड एम फॉर पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू फोर एक्स इसके लिए है ना, क्योंकि हमने इसी के लिए पढ़ी थी वाली इक्वेशंस. तो जब हम इन्हें रिलेट करते हैं तो यहाँ से x का कोफिशियंट है m सही है. यहाँ से बताओ स्लोप कितना बनेगा, इस लाइन का स्लोप कितना है बताओ. y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे y बनाना पड़ेगा ना फिर उधर ले जाएंगे तो t से डिवाइड कर देते हैं पूरी इक्वेशन को, क्या आ जाएगा x बाई टी प्लस 80 आ जाएगा
ठीक है. नाउ वी कंपेयर दीज इक्वेशंस, इनको हम कंपेयर करें तो x का कोफिशियंट यहाँ पे बताओ बच्चों कितना है, x का कोफिशियंट 1 बाई टी है ना, और यहाँ पे x का कोफिशियंट कितना है m है, और दोनों लाइंस टेंजेंट ही तो हैं तो सेम ही होंगी, तो इन दोनों को कंपेयर करके हमारे पास ये आ जाता है m इज इक्वल टू 1 बाई टी, ये आ गया हमारे पास है ना. तो m और t के बीच में ये रिलेशन है फॉर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax पैराबोला. सो फॉर दिस पैराबोला m है 1 बाई टी के इक्वल, तो यहाँ से जो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स हमारे थे वो थे 80 स्क्वायर कॉमा 280. अगर उसको हम स्लोप के टर्म्स में लिखें तो हम क्या लिखेंगे, t की वैल्यू हम पुट कर देंगे यहाँ से कितनी 1 बाय m है ना, t आ जाएगा 1 बाय m के इक्वल. तो ये याद भी रखना है तुम लोगों को है ना, इसको याद रख लो कि भाई जब भी t पता है तो उससे हम स्लोप ऑफ टेंजेंट बता सकते हैं बहुत ईजिली. ठीक है, तो t की जगह पे हम 1 बाय m डाल देंगे तो कितना बन जाएगा बताओ, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट a बाय m स्क्वायर है ना, 1 बाय m डाल दिया कॉमा 2a बाय m, तो जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है इन टर्म्स ऑफ स्लोप ये बन जाता है, इन टर्म्स ऑफ t ये बन जाता है. तो यू शुड जस्ट नो m और t के बीच में क्या रिलेशन है. चलो देखो, अब ये हमारी टेबल है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन स्लोप फॉर्म फॉर ऑल द डिफरेंट पैराबोलास. अभी हमने वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x के लिए पढ़ लिया, कितना आया था वाई इज इक्वल टू mx प्लस a बाय m आई थी है ना टेंजेंट की इक्वेशन, ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट आ गया था. ऐसे ही जो ये पैराबोला है इसके लिए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आती है ये, ठीक है. इसको तुम पैरामेट्रिक फॉर्म से कंपेयर करके इजीली याद कर सकते हो, क्योंकि पैरामेट्रिक फॉर्म तो मैंने अच्छे से रिलेट करा दी थी है ना, कि इसके लिए पैरामेट्रिक फॉर्म कितनी आई थी, देखो yt इज इक्वल टू x प्लस at स्क्वायर आई थी है ना, और इसके लिए पैरामेट्रिक फॉर्म बच्चों बताओ क्या आई थी, क्या किया था हमने, x की जगह पे माइनस एक्स रख दिया था ना, तो x की जगह पे व्हेन वी पुट माइनस एक्स तो पैरामेट्रिक फॉर्म आ गई थी टेंजेंट की yt इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस at स्क्वायर आ गई थी, ठीक है. अब क्योंकि हमें इन टर्म्स ऑफ m जाना है ना, हमें स्लोप में कन्वर्ट करना है, तो हम यहाँ पे ये देखेंगे कि इस लाइन का स्लोप है कितना, तो बताओ इसका स्लोप कितना है. पहले वाले के लिए तो अभी अभी हमने पढ़ा कि t और 1 t बराबर आ गया था 1 बाय m के है ना, इसका स्लोप बताओ बच्चों कितना है, इसका स्लोप है माइनस 1 बाय t है ना, जब डिवाइड करोगे t से तो x का कोफिशिएंट इज माइनस 1 बाय t, तो यहाँ पे माइनस 1 बाय t जो है ना वो m के बराबर है, सही है. तो t और m के बीच में ये रिलेशन आया, तो अगर हमें इसे स्लोप फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो वट वुड वी डू, हम t की जगह पे पुट कर देंगे माइनस 1 बाय m, सही है. तो t की जगह पे हम पुट कर दें अगर माइनस 1 बाय m तो, और उसको यहाँ रख दें, यहाँ रख दें, तो ये आ जाएगी हमारे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन स्लोप फॉर्म, ठीक है. हमने t की जगह पे बस ये पुट कर दिया यहाँ, ऐसी पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट भी आ गया. सिमिलरली बाकी दोनों भी हो जाएंगे, ठीक है. ज़्यादा देखो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, तुम इसी को याद रखो कि ये होती है, यही ज़्यादा यूज़ होता है हमारे लिए, बट इन केस बाकी आ गए तो बस तुम्हें कन्वर्ट करना आना चाहिए कि हाउ टू कन्वर्ट. तो सबकी क्या करो, पैरामेट्रिक फॉर्म याद कर लो, वो हमने याद करना सीख लिया, इट इज़ वेरी इजी, रिलेट कर करके याद कर लिया. और पैरामेट्रिक फॉर्म से ना हर किसी के लिए सोचो कि स्लोप क्या बनेगा इन टर्म्स ऑफ टी, तो ऑलवेज फाइंड एम इन टर्म्स ऑफ टी फॉर जो भी पैराबोला है, ठीक है. और वहाँ पे फिर ये चेंजेस कर दो कि m को रख दो ये चीज़ें है ना, क्योंकि हमें इन टर्म्स ऑफ m चाहिए, तो जहाँ जहाँ पे t है वहाँ वहाँ पे m की जो भी वैल्यू आई है वो रख दो, तो इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ स्लोप आ जाती है, सही है. तो ये एक फंडा है, मतलब कैसे तुम कन्वर्ट कर सकते हो, अदरवाइज सबको याद करने की जरूरत नहीं है. हाँ ये ज़रूर याद करना है ये, ठीक है, इसको याद करना है, और कर पाओ तो ये भी याद कर लेना, क्योंकि डायरेक्ट ज़्यादातर ये दोनों ही पैराबोलाज हमारे क्वेश्चंस में यूज़ होते हैं, एग्जाम्स में भी जब आते हैं यही दोनों आते हैं, बट ये तो याद करना ही पड़ेगा ना, यू कांट गो आउट ऑफ दिस, मतलब इससे यू कांट गेट आउट ऑफ दिस, ये याद करना ही पड़ेगा. चलो अब देखो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो इसका तुम लोग स्क्रीनशॉट ले लो एक, ठीक है. चलिए हम आगे बढ़ते हैं. अब देखो क्या लिखा है यहाँ पे, टू टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट पी टू अ पैराबोला इफ़ पी लाइज आउटसाइड द पैराबोला. मतलब क्या है, पैराबोला के बाहर एक पॉइंट पी है. अब जैसे हमें पता है कि पॉइंट अगर पैराबोला के ऊपर है ना, ये अभी हमने किया था, अगर पॉइंट यहाँ पे है तो उससे हम एक टेंजेंट बना सकते हैं पासिंग थ्रू इट है ना. अगर पॉइंट बाहर है पैराबोला के तो उससे वी कैन ड्रॉ टू टेंजेंट्स. जैसे सर्कल के लिए अगर पॉइंट बाहर है तो हम दो टेंजेंट्स बना सकते हैं ना, दो टेंजेंट्स. ऐसे ही अगर पैराबोला के बाहर है उससे भी हम दो टेंजेंट्स बना सकते हैं, उसका प्रूफ लिख दिया मैंने कैसे बना सकते हैं. देखो अब ये है पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax है ना, अल्फा गामा बीटा पॉइंट है, हम टेंजेंट की इक्वेशन पढ़ चुके हैं कि ये होती है. तो अगर ये इस टेंजेंट की इक्वेशन है, इस टेंजेंट की इक्वेशन और पॉइंट पी पे लाइक करता है तो इट वुड सेटिस्फाई इट है ना. तो अल्फा कॉमा बीटा को हमने इसमें पुट कर दिया क्योंकि इसको सेटिस्फाई करेगा, ये पुट कर दिया.
इसको हमने इधर उधर ले जाके सिंप्लीफाई कर लिया, तो ये इक्वेशन बन गई एम ए क्वाड्रेटिक. सही है, ये एम ए क्वाड्रेटिक बन गई है ना. और हमें पता है कि हम इस पॉइंट से दो टेंजेंट्स जो है डाल पा रहे हैं ना. अब हमें पता है, देखो देर विल बी टू टेंजेंट्स टू पैराबोला फ्रॉम दिस. अगर एक रूट्स इसके क्या आ जाए, रियल एंड डिस्टिंक्ट आ जाए, तब दो टेंजेंट्स बनेंगे ना, तभी इसके दो डिस्टिंक्ट रूट्स आएंगे ना. एम की दो वैल्यूज तभी आएंगी, क्योंकि तुम पी से दो टेंजेंट डालोगे तभी तो दो रूट्स आएंगे. तो दो रूट्स आने के लिए क्या कंडीशन होगी, डी पॉजिटिव हो जाएगा. तो हमने इसका डी पॉजिटिव लगा दिया, तो वो ये आ गया ना. और ये क्वांटिटी क्या है बच्चों बताओ, ये जो क्वांटिटी है कहाँ से आई, अल्फा कॉमा बीटा को जब हम इसमें पुट करेंगे तो यही तो बनेगा है ना, बीटा स्क्वायर माइनस फोर ए अल्फा पॉजिटिव. तो ये चीज़ क्या बन गई, एस वन ग्रेटर देन जीरो. और ये हमने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में कि अगर पॉइंट को हम पुट करें इक्वेशन ऑफ पैराबोला में और वो एक पॉजिटिव क्वांटिटी आ रही है, इट मीन्स पॉइंट लाइज आउटसाइड द पैराबोला है ना. इसका मतलब ये है कि पॉइंट बाहर लाई करेगा पैराबोला से है ना. तो ये आ गया हमारे पास कि दो टेंजेंट ड्रॉ करने के लिए पॉइंट शुड लाई आउटसाइड द पैराबोला. ठीक है, अब देखो अगर हमें क्वेश्चन में पूछा है कि पॉइंट पी से हम दो टेंजेंट्स पुट कर रहे हैं एंड फाइंड द एंगल बिटवीन दोज टेंजेंट्स, ये एंगल अगर हमें निकालना है तो वो चीज़ हम इसे यूज करके निकाल सकते हैं. वी राइट दिस एंगल एज थीटा, तो टैन थीटा हो जाएगा. हमें पता है टैन थीटा इज एम वन माइनस एम टू अपॉन वन प्लस एम वन एम टू है ना, का मॉड, जहाँ पे एम वन माइनस एम टू क्या है, इस इक्वेशन के रूट्स ही तो है. तो न्यूमरेटर में वी नीड डिफरेंस ऑफ रूट्स एंड डिनोमिनेटर में वन प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स. ठीक है, वो चीज़ें हम यहाँ से निकाल लेंगे. तो तुम क्वाड्रेटिक बना सकते हो और वहाँ से ये चीज़ें निकाल के एंगल बिटवीन टेंजेंट्स निकाल सकते हो. दिस इज वॉट, दिस इज एंगल बिटवीन टेंजेंट्स. ठीक है, चलो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे क्या है हमारे पास. अब देखो ये क्या, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स एट एनी टू पॉइंट्स ऑन द पैराबोला. यहाँ पे हमने क्या किया, पैराबोला के ऊपर दो पॉइंट्स पे टेंजेंट डाले, वही अभी हमने जो किया. वो दोनों टेंजेंट्स बाहर किसी पॉइंट पी आर पे मिल रहे हैं, ये पी क्यू है. पी के कोऑर्डिनेट्स है 81^2, 281, मतलब इसका पैरामीटर टी वन है. ऐसे ही क्यू का पैरामीटर टी टू है, उसके कोऑर्डिनेट्स हैं 82^2, 282. ठीक है, इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आता है R, ठीक है, उसको तुम याद कर सकते हो. देखो वो क्या आता है, क्योंकि बहुत ईजी है याद करना. अभी ये हमने प्रूफ लिख दिया यहाँ पे कि R को अगर निकालना है, प्रूफ अगर हमें करना है R ये कैसे आया, बहुत ईजी है प्रूफ करना, क्योंकि हम इस टेंजेंट की इक्वेशन लिख सकते हैं ना एट पॉइंट P, वही पैरामीट्रिक फॉर्म है ना. यही सोच लो पॉइंट पी गिवन है, टी इक्वल टू जीरो से लिख देंगे, या फिर पैरामेट्रिक फॉर्म सीधे याद है तो उसे लगा दो कि ये आ गई वाई टी इक्वल टू एक्स प्लस ए टी स्क्वायर है ना, टी की जगह पे टी वन. सिमिलरली दूसरा टेंजेंट लिख दिया, तो ये हमने लिख दिया टेंजेंट एट पी, ये लिख दिया टेंजेंट एट क्यू, दोनों को इंटरसेक्शन निकालने के लिए दोनों को कर दिया सॉल्व. तो ये आ गया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. क्या आया देखो, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक्स कोऑर्डिनेट इज ए टी वन टी टू, वाई कोऑर्डिनेट इज ए इंटू टी वन प्लस टी टू. अगर तुम लोग ऑब्जर्व करो ये पॉइंट कैसे आ रहा है, सोचो कि किस तरह से हम ए टी वन टी टू ला सकते हैं यूजिंग ए टी वन स्क्वायर एंड ए टी टू स्क्वायर. सोचो जरा, ये चीज़ आया समझ कैसे आ सकता है. देखो ए टी वन स्क्वायर और ए टी टू स्क्वायर का, ए टी वन स्क्वायर एंड ए टी टू स्क्वायर का जी एम अगर निकालें हम, जी एम ऑफ दीज क्वान्टिटीज, हमने इनका जी एम निकाला. अब जी एम हमें निकालना आता है ना, जी एम इज वॉट, अंडर रूट ऑफ ए बी. तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, उसका रूट ले लिया, तो क्या बनेगा बच्चों बताओ, क्या बनेगा मल्टीप्लीकेशन पे, ये बन गया ए स्क्वायर टी वन स्क्वायर टी टू स्क्वायर. इसका हमने लिया रूट, क्योंकि हम जी एम निकाल रहे हैं, तो क्या आ जाएगा वो ए टी वन टी टू ही तो आ जाएगा, यही पॉइंट आ जाएगा ना. तो ये क्या लिखा हुआ है हमारे पास, इन दोनों पॉइंट्स का जी एम. सही है, तो x कोऑर्डिनेट इज व्हाट, x कोऑर्डिनेट इज ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द x कोऑर्डिनेट्स. ठीक है, तो x कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया gm. ऐसे ही अब तुम लोग बहुत इजीली ऑब्जर्व करके बता सकते हो कि जो y कोऑर्डिनेट्स है वो है 281 और दूसरा y कोऑर्डिनेट है 282. ठीक है, तो इन पे हम कौन सा ऑपरेशन लगाएं कि हमारे पास ये मिल जाए, a into t1 plus t2 मिल जाए. बताओ क्या लगाएंगे हम, ये ना 2 इसके साथ है, दिस इज 282. ठीक है, तो इन दोनों का हम क्या लें, अरिथमेटिक मीन है ना. इन दोनों का जब अरिथमेटिक मीन लेंगे, अरिथमेटिक मीन क्या होता है, दोनों का सम कर दो, डिवाइड बाई टू कर दो, क्या आ जाएगा, टू से टू कैंसिल हो जाएगा, ए कॉमन आ जाएगा, क्या बन जाएगा, ए इंटू टी वन प्लस टी टू बन जाएगा ना बच्चों. और यही तो हमारा वाई कोऑर्डिनेट है, देखो यही है ना हमारा वाई कोऑर्डिनेट. ठीक है, ये सेम चीज मैंने नेक्स्ट स्लाइड पे लिखी हुई है,
बिकॉज दिस इज अ वेरी ब्यूटिफुल रिजल्ट है ना, बहुत अच्छा रिजल्ट आया हमारे पास एक, तो उनको याद करना भी बहुत आसान हो जाएगा. इफ यू यू वॉन्ट टू टेक इट स्क्रीन शॉट यू कैन टेक, अदरवाइज नेक्स्ट स्लाइड में मैंने इसी चीज को लिखा है. देखो क्या लिखा हुआ यहाँ पे, हमने यही चीज लिखी है कि अरिथमेटिक मीन ऑफ वाई कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी एंड क्यू है ना, तो पी और क्यू के जो वाई कोऑर्डिनेट्स हैं उनका जो अरिथमेटिक मीन है वो आ जाता है ये, इज द वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ना. तो वाई कोऑर्डिनेट्स का ए एम और एक्स कोऑर्डिनेट्स का जी एम, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द एक्स कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी एंड क्यू इज द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. ठीक है, तो इससे हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट निकाल सकते हैं बहुत आसानी से. इस चीज को तुम लोग याद रखो और ये बहुत अच्छी चीज है, इस पे बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है अच्छा. चलो अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग जो पढ़ी हमने चीजें. क्या लिखा हुआ है देखो, लेट्स रीड द क्वेश्चन. इफ द लाइन टचेस द पैराबोला, तो हमें के की वैल्यू फाइंड करनी है. बहुत ईजी क्वेश्चन है. मतलब क्या है, ये बोल रहा है कि ये लाइन इस पैराबोला पे टेंजेंट है, तो जो के अननोन है वी हैव टू फाइंड दैट. उसके हम लोग दो तरीकों से किया देखो उस चीज को. क्या फर्स्ट इज कि वही जो हमने कॉन्सेप्ट लगाया था प्रूव करने में कि सी इज इक्वल टू ए बाय एम आता है, मतलब हमने क्या किया, लाइन को पैराबोला के साथ सॉल्व कर लिया. ठीक है, हमने यहाँ से x की वैल्यू उठा के 3y प्लस के बाई टू उसको यहाँ पे हमने पुट कर दिया इस पैराबोला में. ये आ गया, ये क्वाड्रेटिक आ गए है ना. अब क्योंकि हमें पता है अगर ये टेंजेंट है तो जो क्वाड्रेटिक है उसके रूट्स इक्वल आएंगे, वही चीज़ जो हम बहुत पहले से बोलते आ रहे हैं. तो इस क्वाड्रेटिक के लिए हम d इज इक्वल टू जीरो लगा देंगे है ना. देखो d इज इक्वल टू जीरो लगा दिया हमने. अब d जीरो लगाने पे ये हमारे पास k की वैल्यू आ गई -27/4. तो ये था पहला तरीका, दिस इज व्हाट कॉन्सेप्चुअल मेथड. ये है कॉन्सेप्चुअल मेथड. कॉन्सेप्चुअल मेथड का फायदा देखो एग्जाम में ये होता है कि अगर तुम्हें कोई भी इक्वेशन याद नहीं भी है, अब अगर तुम्हें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट नहीं याद है एग्जाम में, तुम भूल गए हो या तुम रिवाइज करना भूल गए उस चीज़ को या ड्यू टू एनीथिंग, मतलब हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट अगर याद नहीं है तो ये तो हम हमेशा लगा सकते हैं है ना. इसके लिए हमें कुछ याद नहीं करना, बस ये कॉन्सेप्ट हमें पता होना चाहिए कि सॉल्विंग टू कर्व्स हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलते हैं, और अगर कर्व्स एक दूसरे को टच कर रहे हैं तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक ही आएगा, मतलब जो क्वाड्रेटिक बनी उसका डी जीरो कर देना है. ठीक है, तो इसके लिए हमने कोई भी ऐसी नॉलेज यूज नहीं करी, मतलब कुछ भी ऐसा नहीं यूज किया, फॉर्मूला नहीं यूज किया. दूसरा मेथड इज बाय यूजिंग फॉर्मूला, अल्टरनेटिव मेथड जो है हमारा. अब इसका ये फायदा है कि ये मेथड छोटा होता है ना, यही तो फायदा होता है फॉर्मूले याद करने का है ना, क्योंकि कोई चीज याद करोगे तो उससे कुछ तो फायदा मिलेगा. तो दिस इज द बेनिफिट हेयर कि हमारा टाइम जो है ना वो काफी बच जाता है. अब देखो ये दो लाइन का सोल्यूशन है कैसे, क्योंकि हमें पता है के जो पैराबोला है इसके लिए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होती है. बच्चों बताओ, हमने अभी याद की है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होती है. स्लोप फॉर्म में लगा लो, पैरामीट्रिक फॉर्म में लगा लो, जिसमें मर्जी लगा लो, स्लोप फॉर्म में लगा लेते हैं. तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इसके लिए स्लोप फॉर्म में क्या आई थी, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस ए बाई एम आई थी है ना. मतलब ये जो लाइन है इसके ऊपर वो टेंजेंट होती है, हमें पता है. तो अब हम इस लाइन को, ये जो लाइन गिवन है इसको इससे कंपेयर करा देते हैं. हमें ए पता है यहाँ पे ना, y इसको छोड़ो 4ax है, 4a है 6 के बराबर, 4a is equal to 6 है, तो a आ जाएगा यहाँ से 3/2, a हमने यहाँ पे पुट कर दिया, y को लिख दिया इस तरह से, ये लिख दिया हमने y को इस तरह से ना, mx plus a by m वाली फॉर्म में, mx plus c में, इसको हमने इससे कंपेयर करा दिया. अब कंडीशन ऑफ टेंजेंसी यही तो है कि जो c है वो a by m के इक्वल होगा, मतलब ये जो इसका कांस्टेंट है माइनस k by 3, ये जो है दिस शुड बी इक्वल टू a अपॉन m. a हमें पता है, m भी हमें पता है, m यहाँ पे हमें पता है ना 2/3 है लाइन से कंपेयर करके, तो हमने m निकाल लिया 2/3 है, हमें a पता है, सॉरी a हमें पता है कितना है 3/2 है, तो ये सारी चीज़ें भी नो हमने उनको यहाँ पुट कर दिया और k आ गया. ठीक है, तो इससे हमने बिल्कुल बस क्या यूज़ किया, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी ये यूज़ किया. ठीक है, तो ये मेथड भी सही है भी, बट इट इज़ मोर टाइम सेविंग. ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द कॉमन टेंजेंट. ये एक क्वेश्चन मैंने रखा है यहाँ पे कॉमन टेंजेंट का. काफ़ी बार ये क्वेश्चन आ जाता है मेंस में भी और कभी भी यूज़ हो सकती है, मतलब ये चीज़ किसी भी क्वेश्चन में. फाइंड द कॉमन टेंजेंट ऑफ, ये पैराबोला है, ये सर्कल है, इसका हमें कॉमन टेंजेंट निकालना है. पैराबोला है, सर्कल है, अब पैराबोला पे जो लाइन टेंजेंट होती है उसकी इक्वेशन हमें पता है ये होती है वाई जीरो एम एक्स प्लस ए बाय एम. अभी हमने यहाँ पे एक ही जगह पे 2a क्यों रखा है, क्योंकि इसका a जो है वो 2a है ना. दिस इज व्हाट, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू 2a इंटू एक्स.
ठीक है, तो ये चीज आ गई 2a हमारे लिए यहाँ पे a है, तो y कुछ टू दिस लाइन इज टेंजेंट टू दिस पैराबोला. अब अगर ये लाइन सर्कल पे भी टेंजेंट है तो जब इस लाइन को हम सर्कल के साथ सॉल्व करेंगे तो उसका d जीरो होगा, वही चीज दोबारा हमने यूज किया है ना. सेम कॉन्सेप्ट से देखो कितने सारे क्वेश्चन हो सकते हैं टेंजेंट वाले. तो हमने क्या करा, इसके इक्वेशन को जो है, इसे करने के और भी बहुत तरीके हो सकते हैं, हो सकता है तुम किसी डिफरेंट मेथड से ले आओ आंसर, ठीक है, ये वन ऑफ द वेज है, मैंने एक तरीका यहाँ पे कोट किया. तो इसको हमने यहाँ पे पुट कर दिया वाई को, ओके. अब ये चीज बन गई हमारी एक्स में क्वाड्रेटिक, ठीक है, ये एक्स में क्वाड्रेटिक आ गई एंड वी नो कि ये टेंजेंट है तो इस क्वाड्रेटिक का एक ही रूट होगा, तो फिर से हमने डी जीरो कर दिया, विच इज बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, डी को जीरो किया, ये इक्वेशन आ गई, तो एम यहाँ से आ गया हमारे पास प्लस माइनस वन. इसका मतलब m की दो वैल्यूज के लिए ये मतलब दो कॉमन टेंजेंट बन सकते हैं इस पे पैराबोला सर्कल पे. m को 1 पुट किया तो एक टेंजेंट आ गया, y इक्वल्स टू x प्लस 2a, माइनस 1 पुट करोगे तो माइनस x माइनस 2a, ठीक है, ये आ गए हमारे पास कॉमन टेंजेंट. तो हमने क्या किया, सिर्फ पहले हमने लिखा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फॉर पैराबोला, एक कर्व के लिए लिख लिया हमने, है ना. इसे तुम अदर वे राउंड भी कर सकते थे, सर्कल की अगर टेंजेंट की इक्वेशन याद है उससे ले लो और उसे पैराबोला के साथ सॉल्व करके डी जीरो कर दो, या उल्टा भी कर सकते हो. फर्क सिर्फ इतना है कि जो सर्कल की इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आती है स्लोप फॉर्म में, अगर तुम लोगों को वो याद है तो वो क्या होती थी, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस माइनस आर अंडर रूट में 1 प्लस एम स्क्वायर, है ना. उसमें क्या रूट वाला टर्म आता है, उसकी सॉल्विंग थोड़ी गंदी हो जाएगी, दैट्स वाई हमने वो यूज़ नहीं किया. तो वो तो हम देख ही सकते हैं ना हमारे लिए कौन सा मेथड सही पड़ रहा है, विल डू दैट. तो पहला हमने किया इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिया हमने पैराबोला के लिए, है ना. और सेकेंड स्टेप व्हाट वी डिड हमने उसको सॉल्व किया सर्कल के साथ, सॉल्व विद सर्कल, एंड फिर हमने पुट कर दिया डी इज इक्वल टू जीरो, ठीक है. ऐसा करने के बाद हमारे पास एम आ गया और देयरफॉर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गई. चलिए आगे बढ़ते हैं. देखो अब है प्रॉपर्टीज ऑफ टेंजेंट. अभी तक हमने टेंजेंट पढ़ा पहले स्लाइड में, कैसे टेंजेंट बनता है, कॉर्ड बनती है ना, फिर हमने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स कर लिए सारे अलग अलग फॉर्म्स में. अब हम पढ़ रहे हैं उन टेंजेंट्स की प्रॉपर्टीज क्या क्या होंगी. ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, प्रॉपर्टीज पे बेस्ड क्वेश्चंस आ जाते हैं. देखो व्हाट इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी, टेंजेंट एट द एक्सट्रीमिटीज ऑफ एनी फोकल कॉर्ड. फोकल कॉर्ड पहली चीज, फोकल कॉर्ड मतलब जो कॉर्ड फोकस से पास करती है उसकी एक्सट्रीमिटीज, उसके एंड पॉइंट्स पे हमने टेंजेंट्स बनाए. तो दे इंटरसेक्टेड राइट एंगल्स, पहली चीज, मतलब वो इंटरसेक्ट करते हैं राइट एंगल पे, मतलब उनके बीच में 90 डिग्री एंगल होता है, एंड मीट ऑन द डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है. इसमें दो चीज़ें हमें पता चली, फोकल कॉर्ड की एक्सट्रीमिटीज में हम जब भी टेंजेंट बनाएंगे पहली चीज़ उनके बीच में एंगल 90 डिग्री होगा, दूसरी चीज़ वो डायरेक्ट्रिक्स पे मिलेंगे, ठीक है. तो जब भी तुमने फोकल कॉर्ड के एक्सट्रीमिटी पे टेंजेंट बनाए वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं कहाँ पे, डायरेक्ट्रिक्स पे करेंगे हमेशा, और इंक्लूड करेंगे एंगल 90 डिग्री बिटवीन देम, ठीक है. इसका मतलब देखो अदर वे राउंड हम ये भी सोच सकते हैं कि जब भी हम डायरेक्ट्रिक्स के किसी पॉइंट से उठा के टेंजेंट डालेंगे पैराबोला के ऊपर, है ना, तो वो जो टेंजेंट्स हैं, मतलब ये हो गया, अगर ये हमारा पैराबोला है, ठीक है, डायरेक्ट्रिक्स से किसी भी पॉइंट से तुमने दो टेंजेंट डाल दी पैराबोला के ऊपर, मान लेते हैं कि यहाँ पे पड़ गया, ठीक है. फिर उन दोनों पॉइंट्स को हमने जॉइन जब कराया, इन दोनों पॉइंट्स को, तो ये जो कॉर्ड बनी हमारे पास, ये कौन सी कॉर्ड बनी बताओ बच्चों, कन्वर्स भी ट्रू है, तो ये बन गई हमारे लिए फोकल कॉर्ड, है ना. तो जब भी हम डायरेक्ट्रिक्स से किसी पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ करेंगे पैराबोला पे, उनके पॉइंट्स को ऑफ कॉन्टैक्ट को ज्वाइन करेंगे, तो दिस कॉर्ड विल ऑलवेज बी फोकल कॉर्ड. हम इस कॉर्ड का नाम जानते हैं फोकल कॉर्ड, और इसे कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट भी बोलते हैं विद रिस्पेक्ट टू दिस पॉइंट, ठीक है. तो ये कॉर्ड फोकस से पास करने वाली है, और इन टेंजेंट्स के बीच में एंगल ऑलवेज 90 डिग्री होगा. इसका मतलब डायरेक्ट्रिक्स हमारे लिए क्या बन गई, डायरेक्टर सर्कल बन गई, है ना. सर्कल में हमने पढ़ा था पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर टेंजेंट्स, जहाँ जिस पॉइंट से हम परपेंडिकुलर टेंजेंट डाल पाए कर्व के ऊपर, उस पॉइंट के लोकस को हम बोलते हैं डायरेक्टर सर्कल. यहाँ पे सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा क्योंकि डायरेक्टर सर्कल एक लाइन आ रही है ना, क्योंकि ये डायरेक्टर सर्कल की डेफिनेशन है. हमने ये नहीं बोला हमेशा सर्कल आएगा, ये उसकी डेफिनेशन है. तो इस केस में यहाँ पे डायरेक्ट्रिक्स ही बन जाती है हमारा डायरेक्टर सर्कल, ठीक है. तो डायरेक्टर सर्कल हेयर फॉर पैराबोला इज वॉट इट्स डायरेक्ट्रिक्स. ये इंपॉर्टेंट चीज देख ली हमने, यहाँ पे हमने प्रूफ किया हुआ है ये जो चीज है. हमें हम जानते हैं, देखो एक पैरामीटर हमने टी लिया एक पॉइंट का, दूसरे का टी वन लिया. अब हम जानते हैं देखो फोकल कॉर्ड की एक्सट्रीमिटीज में क्या रिलेशन होता है, पैरामीटर्स का प्रोडक्ट इज माइनस वन, तो टी इंटू टी वन आ गया माइनस वन. फिर अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट जो है वो क्या आता है, एक्स कोऑर्डिनेट क्या आता है, जी एम आता है, तो वो क्या आ जाएगा,
ए टी वन टी टू आता है ना, तो वो ए टी टी वन आएगा, ऐसा कुछ आएगा. ठीक है, ये चीज़ लिखी हुई है देखो यहाँ पे भी हमने, कि वो आएगा ए टी टी वन आएगा, जो एक्स कोऑर्डिनेट आएगा. टी इंटू टी वन है कितना, माइनस वन, तो ये बन जाएगा माइनस ए बन जाएगा. तो एक्स कोऑर्डिनेट माइनस ए अगर है, और डायरेक्ट्रिक्स हमारी क्या होती है, एक्स इक्वल माइनस ए, तो होती है एक्स कोऑर्डिनेट भी माइनस ए आ गया. मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लाई कर रहा है डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर, हेंस प्रूव्ड है ना, इस चीज़ से हमने ये चीज़ प्रूव भी कर दी. ठीक है, दूसरी चीज़ उनके बीच में एंगल 90 डिग्रीज क्यों आएगा, तो वो हम स्लोप से देख सकते हैं. अभी हमने ये भी पढ़ा थोड़ी देर पहले कि इस वाले पैराबोला के लिए m और t में क्या रिलेशन होता है, m, तो m इज इक्वल टू 1 बाई टी होता है, तो इसके लिए जो स्लोप है वो आ गया 1 बाई टी. सिमिलरली इस टेंजेंट के लिए स्लोप क्या आ जाएगा, 1 बाई टी वन है ना, बिकॉज स्लोप इज 1 अपॉन पैरामीटर. तो स्लोप्स का प्रोडक्ट अगर हम करें तो वो बन गया 1 बाई टी इंटू 1 बाई टी वन, ये बन गया ना प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स. हमें पता है डिनोमिनेटर माइनस वन है, तो वन अपॉन माइनस वन भी माइनस वन आ जाएगा. तो प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स आ गया माइनस वन, विच मीन्स दीज लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. तो दोनों चीज़ें प्रूव हो गई, टेंजेंट्स एट द एक्सट्रीमिटीज ऑफ फोकल कॉर्ड मिलेंगी डायरेक्ट्रिक्स पे, और उनके बीच में एंगल होगा 90 डिग्रीज. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. यू कैन ऑल्सो टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ द प्रॉपर्टीज वन बाय वन. दिस वॉज द फर्स्ट प्रॉपर्टी. ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो. मूविंग ऑन टू नेक्स्ट. देखो ये सेकेंड प्रॉपर्टी है, क्या लिखा है यहाँ पे, लोकस ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम फोकस अपॉन एनी टेंजेंट. कोई भी एक टेंजेंट है उसके ऊपर हमने लोकस से, सॉरी फोकस से, दोनों एक जैसे वर्ड्स लगते हैं ना, तो हमने क्या किया, किसी भी टेंजेंट पे फोकस से फुट ऑफ परपेंडिकुलर डाला, तो वो जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है ना, वो टेंजेंट ऑफ टेंजेंट वर्टेक्स पे मिलता है हमेशा. इसका मतलब क्या है कि जो लोकस ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर है ऑन एनी टेंजेंट वो क्या है, वो टीवी है, टेंजेंट वर्टेक्स ही है. सॉरी अलग लाइन बन गई, इसी लाइन को मैं बताना चाह रही हूँ, ये लाइन ही है, ये है ना, ये वाली लाइन है. मतलब जब भी हम फोकस से फुट ऑफ परपेंडिकुलर डालेंगे किसी भी टेंजेंट पे, तो वो हमेशा टीवी पे मिलेगा, इसलिए उसका लोकस क्या है, यही बन गया. ठीक है, देखो ये इसका प्रूफ लिखा हुआ है यहाँ पे. हमने क्या किया, हमने टेंजेंट जो है उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लिया विद वाई एक्सिस, क्योंकि वाई एक्सिस ही हमारी टीवी है यहाँ पे, है ना. तो वो क्या आ गया, टेंजेंट की इक्वेशन वी नो ये होती है वाई टी जीरो एक्स प्लस ए टी स्क्वायर. इसमें हमने एक्स को जीरो पुट किया, तो ये आ गया जीरो कॉमा ए टी, दिस इज द पॉइंट क्यू के कोऑर्डिनेट्स. ठीक है, अब हमने इन दोनों के स्लोप्स का प्रोडक्ट लिया, तो वो माइनस वन आ रहा है. सिमिलर बस ये किया हमने, स्लोप ऑफ क्यू एस क्यू निकाल लिया, और पी क्यू का स्लोप हमें पता है कितना होता है, वन बाई टी होता ही है, अभी भी हमने किया था ना, इसका स्लोप होता है वन बाई टी, इसका स्लोप हमने निकाला, माइनस टी आ गया, दोनों का प्रोडक्ट इज माइनस वन, विच मीन्स दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. ठीक है, मतलब सिंपल सा यहाँ से हमने ये कंक्लूड कर लिया कि कोई भी टेंजेंट अगर है पैराबोला की, ये टेंजेंट मैंने बनाई, ठीक है, और फोकस से इस पर कभी भी मैंने परपेंडिकुलर डाला, तो ऐसे नहीं वो यहाँ चला जाएगा, वो हमेशा यहीं पे मिलेगा, टीवी पे ही मिलेगा, जहाँ पे टेंजेंट इंटरसेक्ट कर रहा है ना आप टीवी को, वहीं पे पड़ेगा ये भी. ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं. दिस इज द नेक्स्ट प्रॉपर्टी, देखो क्या लिखा है यहाँ पे, लेंथ ऑफ टेंजेंट बिटवीन द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, मतलब जहाँ पे टेंजेंट टच कर रहा है पैराबोला को, उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट. वहां से लेके डायरेक्ट्रिक्स के बीच का जो पोर्शन है टेंजेंट का, ठीक है, क्योंकि टेंजेंट तो एक लाइन है ना, बहुत लंबी होती है, तो टेंजेंट का कौन सा पोर्शन, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से लेके डायरेक्ट्रिक्स तक का पोर्शन, इट सबटेंड्स 90 डिग्री एट द फोकस. सेम प्रॉपर्टी एलिप्स और हाइपरबोला के लिए भी वैलिड है, कि जो भी पोर्शन ऑफ टेंजेंट है बिटवीन पी एंड डायरेक्ट्रिक्स, इट विल सबटेंड 90 डिग्री एट द करस्पॉन्डिंग फोकस. ठीक है, इसका मतलब क्या है, देखो यहाँ पे अगर मैं पी क्यू को डायमीटर लेके एक सर्कल बनाऊँ, अगर मैंने पी क्यू को डायमीटर ले लिया, एक सर्कल बनाया, तो वुड इट पास थ्रू एस, बताओ, पास करेगा ना, क्योंकि ये डायमीटर है, 90 डिग्री सबटेंड कर रहा है यहाँ पे. तो पी क्यू को डायमीटर लेके अगर हम सर्कल बनाएंगे, तो वो एस से डेफिनेटली पास करेगा, और ये सर्कल थोड़ा अच्छा नहीं बना है. वैसे सर्कल देखो इस तरह से मैं बनाना चाह रही थी, ऐसे बनेगा ना, तो वो जो सर्कल है इट वुड डेफिनेटली टच डायरेक्ट्रिक्स, अगर पी क्यू को डायमीटर लेके सर्कल बनाया. फोकस से पास करेगा, इससे इस प्रॉपर्टी को इस तरह से भी हम बोल सकते हैं ना. तो कभी अगर बोला है कि इसको डायमीटर लेके सर्कल बनाया, तो इट वुड पास थ्रू अ फिक्स्ड पॉइंट. व्हाट इज अ फिक्स्ड पॉइंट, फोकस. इट वुड टच अ फिक्स्ड लाइन. व्हाट इज अ फिक्स्ड लाइन, डायरेक्ट्रिक्स. ठीक है, जो लास्ट प्रॉपर्टी है उसे भी हम इसी तरह से एक बार फिर से देखो देख लेते हैं.
क्या लिखा था उसमें हमारे पास, तो इस वाला जो हमारा प्रॉपर्टी है ना, इस वाली प्रॉपर्टी को दोबारा से एक बार उसी तरीके से देखते हैं. देखो अगर सर्कल बनाएंगे यहाँ पे, क्या बोल रहा है यहाँ पे, हमें पता है कि भाई लोकस ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर है ना फ्रॉम फोकस ऑन एनी टेंजेंट क्या होता है, टीवी होता है. अब अगर इस वाली लेंथ को पी और एस को मैं ज्वाइन कर दूँ है ना, ये एंगल 90 डिग्रीज है. देखो तुम्हें दिख गया होगा मैं क्या करने जा रही हूँ, क्योंकि हमने इन दोनों को ज्वाइन किया है, ये एंगल हमारा 90 डिग्री है. तो इफ़ वी टेक एस पी एस डायमीटर एंड ड्रॉ अ सर्कल, वो क्या क्यू से पास करेगा, वो डेफिनेटली क्यू से पास करेगा ना, क्योंकि डायमीटर यहाँ पे 90 डिग्री सबटेंड कर रहा है. अब देखो इस तरह का क्वेश्चन ना पूछ लिया जाता है, तो वही प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी अलग नहीं है, उसी प्रॉपर्टी को पूछने का तरीका वो बदल देते हैं और तुम लोग उसमें फिर कंफ्यूज हो जाते हो, है ना. तो इसमें वही चीज़ है, तो जब भी एंगल 90 डिग्रीज बनते हैं ना, एक बार खुद से भी ये चीज़ देख लिया करो, जब एंगल 90 डिग्री बना है तो कौन से पॉइंट्स 90 बना रहे हैं, तो जब हम उन पॉइंट्स के को मतलब जोड़ के जो डायमीटर बनाएंगे, तो वो जो सर्कल बनेगा वो 90 डिग्री वाले पॉइंट से पास करेगा ऑलवेज. ये तो हमारी बहुत बेसिक सी प्रॉपर्टी है सर्कल की, है ना. तो यहाँ पे हमने क्या देखा, एस पी क्या होता है भाई, एस पी होता है फोकल लेंथ, है ना. ये हमने पढ़ा था कि भाई एस पी है किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम फोकस इज फोकल लेंथ. तो फोकल लेंथ को डायमीटर लेके वेन एवर वी ड्रॉ अ सर्कल, वो सर्कल किस लाइन को टच करता है हमेशा, वो सर्कल हमेशा टच करता है टेंजेंट एट वर्टेक्स को, डायरेक्ट्रिक्स को नहीं, है ना. ये एक बहुत कॉमन सा नोशन बन जाता है हमारे मन में कि जब पैराबोला है तो डायरेक्ट्रिक्स को ही टच करता होगा, नहीं भाई ऐसा नहीं है. प्रॉपर्टी टू प्रॉपर्टी डिफर करती हैं चीज़ें, कि वो टेंजेंट एट वर्टेक्स को टच करेगा. तो इस चीज़ को भी हम एक बार लिख लेते हैं कि वेन अ सर्कल इज ड्रॉन टेकिंग अ फोकल लेंथ एज डायामीटर, है ना. फोकल लेंथ को डायामीटर लेके जब हम एक सर्कल ड्रॉ करते हैं तो इट ऑलवेज टचेस, किस चीज़ को टच कर रहा है, इट ऑलवेज टचेस टेंजेंट एट वर्टेक्स, है ना. इट ऑलवेज टचेस अ फिक्स लाइन, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, उस चीज़ को हम भर देंगे फिर यहाँ पे, इट ऑलवेज टचेस अ फिक्स लाइन टेंजेंट एट वर्टेक्स, ठीक है. क्वेश्चन में ऐसे पूछा जा सकता है कि वो किस फिक्स लाइन को हमेशा टच कर रहा है, टीवी को. टीवी की इक्वेशन हमें निकालनी आती है ना. चलो अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं. ये हम लोग देख ही चुके हैं अभी, है ना, ये हमने कर लिया. अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं. देखो ये क्या प्रॉपर्टी है यहाँ पे, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट पी ऑन द पैराबोला, पैराबोला के किसी भी पॉइंट पी पे हमने टेंजेंट बनाया, इट बाइसेक्ट्स द एंगल बिटवीन फोकल कॉर्ड, मतलब पी से जो पास करने वाली फोकल कॉर्ड है, ये फोकल कॉर्ड होती है, हमें पता है ना कि फोकस से पास करने वाली कॉर्ड, एंड मतलब फोकल कॉर्ड थ्रू पी एंड द परपेंडिकुलर फ्रॉम पी ऑन द डायरेक्ट्रिक्स, मतलब जो टेंजेंट है वो किस एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, फोकल कॉर्ड और ये वाला जो एंगल है ना पी से जो हम लाइन पैरेलल डालते हैं, मतलब पी से जो हमने परपेंडिकुलर डाला डायरेक्ट्रिक्स पे, सॉरी, तो फोकल कॉर्ड और परपेंडिकुलर ऑन डायरेक्ट्रिक्स वाले एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब किस एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, टेंजेंट बाइसेक्ट कर रहा है इस एंगल को, एंगल एस पी एम को, ठीक है. मतलब ये जो एंगल है और ये जो एंगल है यहाँ तक और ये जो एंगल है, ये दोनों एंगल्स इक्वल आएंगे, हम ये कहना चाह रहे हैं, यहाँ तक लिया हुआ एंगल, ठीक है. ये इस चीज़ का प्रूफ लिखा हुआ है, देखो मैंने सुबह प्रॉपर्टी को याद कर लेना है, प्रूफ भी मैं बता देती हूँ. तो यहाँ पे हम लोग कह रहे हैं कि एंगल एस पी टी इज इक्वल टू एंगल टी पी एम, है ना, एंगल एस पी टी इज इक्वल टू एंगल टी पी एम. देखो ये प्रॉपर्टी इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे जब तुम रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी ऑफ पैराबोला करोगे ना, हम लोग पढ़ेंगे आगे जाके, उसमें चीज़ यूज़ होती है रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी ऑफ पैराबोला में, ठीक है. तो हमने यहाँ पे ये चीज़ कर लिया, देखो पॉइंट बाय पॉइंट चीज़ पकड़ लेते हैं, हमें ये प्रूफ करना है एंगल एम पी टी, वही एम पी टी बराबर है टी पी एस, वही चीज़ उल्टा करके लिख दिया बस. हमने टेंजेंट बना दिया, टेंजेंट की इक्वेशन हमें पता है ये होती है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट भी पी हमने पढ़ा हुआ है, टी को वन बाय एम रख के आ जाएगा, ये हो गया. इससे हमने टैन ऑफ मतलब स्लोप ऑफ पी एस निकाल लिया, देखो पी एस का स्लोप, पी एस का स्लोप हम निकाल सकते हैं. पी हमें पता है, ए फोकस हमें पता है, ए कॉमा जीरो होता है, दिस इज ए कॉमा जीरो, दिस इज ऑल्सो वी नो. तो वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन से स्लोप आ गया, और स्लोप हमें पता है टैन थीटा होता है, तो दिस इज इक्वल टू टैन ऑफ एंगल पी एस, सॉरी एस पी एम, एस पी एम. ये दोनों बराबर क्यों होंगे, क्योंकि ये जो अभी हमने स्लोप ऑफ ये निकाला ना, इसका स्लोप निकाला है, तो ये जो एंगल है और ये जो टोटल एंगल है ये तो बराबर होगा ना, क्योंकि ये ऑल्टरनेट एंगल्स है, हमें पता है ये लाइंस पैरेलल है, तो ऑल्टरनेट एंगल्स तो इक्वल होंगे. तो इससे हमने टैन ऑफ एंगल एस पी एम निकाल लिया, ठीक है, एस पी एम का टैन आ गया. चलो अब हम लिख रहे हैं टैन ऑफ एंगल पी टी एक्स, पी टी एक्स इसका स्लोप. अब स्लोप ऑफ टेंजेंट तो एम ही है ना भाई, यहाँ पे ये तो लिया है,
एम ई एस का स्लोप, तो इसका स्लोप एम है, वो बराबर होगा टेन ऑफ, अब देखो इसका स्लोप अगर एम है और यहाँ से हमारे पास आ गया टू एम अपॉन वन माइनस एम स्क्वायर, हमें पता ही होता है टू टेन थीटा अपॉन वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू टेन ऑफ टू थीटा, है ना। तो ये क्या आ गया, टेन ऑफ ट्वाइस ऑफ एंगल टू पी एक्स आ गया, सही है ना। यहाँ तक तुम लोग ट्रैक कर रहे हो, क्या क्या बोल रही हूँ मैं, क्या समझाने का ट्राई कर रही हूँ कि ये चीज़ को, इस चीज़ को इससे रिलेट कर दिया हमने कि इसी को अगर ये एंगल थीटा लिखा हुआ है, थीटा हमने लिखा अभी कहीं नहीं, टैन थीटा अगर m है तो यहाँ पे हमारे पास क्या लिखा हुआ है, टू टैन थीटा अपॉन वन माइनस टैन स्क्वायर थीटा विच इज टैन टू थीटा, है ना, ये आ गया। तो ये बन गया टैन ऑफ ट्वाइस ऑफ दिस एंगल बन गया ये, ठीक है। और ये बराबर आया था किसके, इसके बराबर आया था, तो यहाँ से हमें पता चल गया ना कि ये जो एंगल है दिस इज डबल ऑफ दिस एंगल, तो पी एस एक्स जो एंगल है, पी एस एक्स ये इसी के बराबर है ना भाई। तो एस पी एम, हम तो एस पी एम क्या है, डबल है टू ट्वाइस ऑफ टू पी टी पी एम के, टी पी एम के आ गई ये चीज़, है ना, यही तो हम निकाल रहे थे कि ये डबल आ गया, इसका मतलब ये एंगल इसको बाइसेक्ट करता है, बस ये याद रखना है तुम लोगों को, तो प्रूफ से तुम्हारा कोई मतलब नहीं है, यू जस्ट रिमेंबर कि जो टेंजेंट है वो बाइसेक्ट करेगा इस एंगल को। एक बार मैं बना देती हूँ फिर से यहाँ पे ढंग से, हमने यहाँ पे क्या पढ़ा कि जो टेंजेंट है ना, तो पी पे हमने टेंजेंट बनाया और पी से हमने फोकल कॉर्ड बना दी, मतलब ऐसे पास करने वाली एक कॉर्ड बना दी, सही है। तो ये जो टेंजेंट है ये इस एंगल को, ये एंगल बराबर होगा पी से जो हमने परपेंडिकुलर डाली डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर उस एंगल के, इस एंगल के, बस ये सिंपल सी चीज़ है, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, ठीक है। तो ये बाइसेक्ट कर रहा है इस पूरे एंगल को, ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है देखो यहाँ पे, फाइंड द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्यू एंड आर ऑफ अ टेंजेंट फ्रॉम द पॉइंट पी टू कॉमा थ्री ऑन द पैराबोला। मतलब ये क्या कह रहे हैं कि P पॉइंट, देखो ये पॉइंट P है, इससे हमने दो टेंजेंट्स बनाए, ठीक है, 2.3 से हमने इस वाले पैराबोला पे दो टेंजेंट्स बनाए, हमें वो टेंजेंट्स जहाँ पे मिल रहे हैं पैराबोला को उनके पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बताने, बस Q और R। अब ये चीज़ बहुत आसान है क्योंकि हमने पढ़ लिया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स क्या आता है, एक्स कोऑर्डिनेट्स का क्या आता था जी एम और वाई कोऑर्डिनेट्स का क्या आता था ए एम, है ना। तो वो क्या आया था, ये आया था x कोऑर्डिनेट आया था at1t2 और y कोऑर्डिनेट आया था a(t1+t2, सही है, ये चीज़ याद करनी है तुम लोगों को, ठीक है। तो जब लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद खुद से रिवीजन करना एक बार इस पूरे का, है ना, और एक एक जो भी चीज़ तुम्हें इंपॉर्टेंट लगे उनके स्क्रीनशॉट्स रखो या तो, या खुद से राइट डाउन कर लो, सबसे अच्छी चीज़ तो यही होती है, देखो साथ में एक कॉपी लेके बैठो और राइट डाउन करते रहो साथ साथ में, है ना, क्योंकि लिखते लिखते जितनी अच्छी पढ़ाई होती है ना वो कभी नहीं हो सकती, और मैथ्स में तो स्पेशली हम लोग कोई चीज़ याद तो कर नहीं रहे, मतलब ऐसा तो है नहीं ना कि कोई तुम बायो पढ़ रहे हो कि तुम्हें सिर्फ रट लेना है, तुम मैथ्स पढ़ रहे हो, तुम्हें फॉर्मूले सब चीज़ें याद करनी पड़ेंगे और हर एक क्वेश्चन खुद से सॉल्व करके देखना होगा, ठीक है। चलो तो यहाँ पे हम ए की वैल्यू, हमें पता है देखो वन है ना, ए हमने पुट कर दिया, तो ये आ गया एक्स कोऑर्डिनेट टी वन टी टू, वाई कोऑर्डिनेट आ गया टी वन प्लस टी टू, उनको हमने बराबर रख दिया जो हमें दिया हुआ था, ये टू दिया हुआ है वो थ्री दिया हुआ है, टी वन टी टू में दो इक्वेशन आ गई, दोनों को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे वैसे तुम्हें दिख ही रहा होगा कि 2+1 3 बन जाता है, 2 × 1 2 बन जाता है, बहुत आसान है। तो एक चीज़ 1 आ गई, एक चीज़ 2 आ गई, ठीक है, ऑर्डर चेंज भी करोगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये 2 ले लो या ये 1 ले लो। तो जब टी वन वन आ गया, अब हमें पता है पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होते हैं ए टी स्क्वायर कॉमा टू ए टी, जहाँ पे टी जगह पे टी वन डालने वाले हो तुम, ए वन है तो टी वन स्क्वायर कॉमा टू टी वन, टी की वैल्यूज में डाल दो 1, 2.2 आ गया पहले वाला पॉइंट, सॉरी 1 डालना है तो 1.2 आ गया पहले वाला पॉइंट, दूसरे में 2 डाल दिया तो 4.4 आ गया दूसरे वाला पॉइंट, ठीक है। देखो यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं पेयर ऑफ टेंजेंट्स, पेयर ऑफ टेंजेंट्स ये चीज़ हमने सर्कल में भी की थी कि पेयर ऑफ टेंजेंट्स कैसे निकालते हैं, तुम लोगों को याद भी होगा कुछ लोगों को कि पेयर ऑफ टेंजेंट्स की इक्वेशन होती है एस एस वन इज इक्वल टू टी स्क्वायर, इसका कोई प्रूफ हम नहीं करेंगे, ठीक है, हमने पहले पढ़ी हुई ये चीज़, फिर से मैं बोल रही हूँ ये चीज़ वैलिड है थ्रू आउट द कोनिक्स, वैलिड इन सर्कल पैराबोला, और बच्चों किस में वैलिड है, इलिप्स में और हाइपरबोला में भी, है ना, सब में सेम ही चीज़ चलती है कि पेयर ऑफ टेंजेंट्स हमेशा ऐसे ही निकलेगा, s इंटू एस वन इज इक्वल टू टी स्क्वायर, एस का मतलब इक्वेशन ऑफ कर्व, जो भी कर्व पढ़ रहे हो वो कर्व, तो यहाँ पे पैराबोला पढ़ रहे हैं तो s ये हो गया, s लिखने के लिए फिर से बता देती हूँ s कैसे लिखते हैं,
सारी चीज LHS में ले जाते हैं, सब कुछ जो भी है RHS में, सिर्फ जीरो छोड़ते हैं. तो S के लिए हम ये उधर ले गए, तो ये क्या बन गया, y square minus 4x बन गया. तो दिस इज आर एस, ये S बन गया. S1 तुम लोगों को पता है, S1 का मतलब क्या होता है, जो भी पॉइंट है, अब क्योंकि पेयर ऑफ टेंजेंट्स बना रहे हो तो वो बाहर के किसी पॉइंट से दो टेंजेंट तुमने डाले होंगे ना. पेयर ऑफ टेंजेंट्स का मतलब बता देती हूँ, क्या होता था कि बाहर के किसी पॉइंट से हमने दो टेंजेंट डाले, ऐसे सर्कल में भी दो टेंजेंट्स हम पुट कर सकते हैं बाहर से, पैराबोला में भी, है ना. तो वो जो दो टेंजेंट्स की इक्वेशन है उनका जो मल्टीप्लाइड फॉर्म है, दैट इज पेयर ऑफ टेंजेंट्स. मतलब पी क्यू इन टू वॉट पी आर, इक्वेशंस मल्टीप्लाई किए हमने, है ना, क्योंकि पेयर ऑफ लाइंस में हम इक्वेशंस मल्टीप्लाई तो करते थे. तो पेयर ऑफ टेंजेंट्स इज मल्टीप्लाइड फॉर्म ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम अ पॉइंट पी. वो जो पॉइंट पी है उसको हम यूज करेंगे एस वन और टी लिखने के लिए, है ना, क्योंकि टी लिखने के लिए हमें पॉइंट चाहिए होता है, एस वन लिखने के लिए भी पॉइंट चाहिए होता है. तो एस वन में हमने क्या किया, वो जो पॉइंट है उसको उठा के रख दिया इसमें, सही है बच्चों. तो अब एस वन में, एस में जब रखोगे एस वन में, मतलब ये पॉइंट, तो क्या हो जाएगा, वाई वन स्क्वायर माइनस फोर एक्स वन, वाई की जगह पे वाई वन, एक्स की जगह पे एक्स वन, सिंपल. ये आ गया हमारे पास एस वन. फिर अब लिखेंगे टी, क्योंकि एस एस वन टी स्क्वायर में एस भी चाहिए, एस वन भी चाहिए और टी भी चाहिए. टी हमने बहुत बार पढ़ लिया, टी कैसे लिखते हैं चेंजेस कर करके. तो वाई स्क्वायर की जगह पे क्या लिख देते हैं, वाई वाई वन माइनस एक्स की जगह पे क्या लिख देते हैं, एक्स की जगह पे एक्स प्लस एक्स वन बाय टू. या कहीं कहीं ये भी लिखा होता है कि टू एक्स की जगह पे लिख दो एक्स प्लस एक्स वन, वो भी सेम चीज़ है, कुछ अलग नहीं है. ये लिखो एक ही बात है ना, टू इधर ले जाओ, सेम चीज़ बनने वाली है, ठीक है. तो वो हमने ये लिख दिया, तो ये चीज़ आ गई, तो ये बन गया हमारा टी, ठीक है. तो पॉइंट के हिसाब से हमने एस वन भी लिख दिया, टी भी लिख दिया, इस इक्वेशन में पुट कर दिया. यहाँ से आगे हमारे पास पेयर ऑफ टेंजेंट्स टू द पैराबोला, ऐसे ही सर्कल में भी था, आगे भी पढ़ेंगे उसमें भी यही चलेगा. चलो, तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो ख़त्म हुआ. आज हमने क्या पढ़ा, हमने टेंजेंट्स पढ़े टू अ पैराबोला, उनकी इक्वेशंस हमने कर ली और उनकी सारी प्रॉपर्टीज़ हमने कर ली, है ना. अब पैराबोला के जो टेंजेंट है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रॉम मेंस एंड एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू. मेंस में क्वेश्चन काफ़ी बार जो पैराबोला का आता है ना, वो टेंजेंट से ही आ जाता है, चाहे वो कॉमन टेंजेंट का क्वेश्चन हो किसी और कर्व को लेके, या पैराबोला की किसी प्रॉपर्टी पे बेस्ड हो, टेंजेंट की प्रॉपर्टी पे, ठीक है. तो आप सारी जो भी प्रॉपर्टीज़ उनको याद करेंगे एक एक करके, जो भी आज हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी, पूरा का पूरा थ्योरी प्रिपेयर करने के बाद यू हैव टू ट्राई दीज क्वेश्चंस योरसेल्फ, ठीक है. ये हमने ट्राई योरसेल्फ बनाया है, चार ही क्वेश्चंस है, ज़्यादा नहीं है, और तुम लोग जब करोगे तुम्हें पता चलेगा ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है क्वेश्चंस, बेसिक क्वेश्चंस है, ठीक है. तो आप जब इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लोगे और आपको लगेगा आप आंसर्स कहाँ से पता चलेंगे, When you solve these questions, comment section में आप comment कर देना आपके जो answers आएंगे, and there I'll comment के जो भी answers हैं आपके वो सही हैं या नहीं है, ठीक है बच्चों. ready इस चीज़ के लिए, तो फटाफट ये वीडियो देखो, questions theory पढ़ो और फिर उस पर बेस्ड ये questions करो, ठीक है. आप चाहो तो कहीं और से भी questions कर सकते हो, तो मैंने बस एक आपके लिए डाल दिया है कि इन केस आपको लगे थ्योरी पढ़ने के बाद कि हम कौन से questions करें, कहाँ से करें, तो ये चार questions तो आप कर ही सकते हो, ठीक है. थैंक यू फॉर वॉचिंग टूडेज वीडियो. अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, उसमें हम पढ़ेंगे नॉर्मल टू अ पैराबोला, ठीक है बच्चों. तब तक के लिए बाय.